हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AHK टिप्स। स्वागत करता हूं आपका फिर से देखने के लिए AHK टिप्स को। अरे यार, मेरा तो कार्ड लाइफ टाइम फ्री है भाई, बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है। अबे भाई, मुझे तो 72,000 रुपये खर्च करने मेरा एग्जीक्यूटिव ने बताया था। अबे भाई, तेरे को 20,000 खर्च करना? अबे मेरा तो वैसे ही फ्री है भाई, मेरा ये कार्ड है, मेरा वो कार्ड है, मेरा ये कार्ड है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस। अगर आपके दिमाग में ये है कि आपका लाइफ टाइम फ्री है, मेरी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको पता चलेगा। जो 5 टॉप क्लास बैंक के टॉप कार्ड हैं, वो जो नॉर्मली सब लोगों के पॉकेट में होते हैं, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उनको पता होना चाहिए कि उनके कार्ड की एनुअल फीस क्या है, ज्वाइनिंग फीस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले भाई, रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करें, लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं उस क्रेडिट कार्ड का नाम है HDFC का मनी बैक क्रेडिट कार्ड, जो कि सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन सबका बनता है। एक यही क्रेडिट कार्ड है जिसकी ज्वाइनिंग फीस कुछ नहीं है, और आपने कोई बिल वगैरह इसमें ऐड करवा लिया है तो ये लाइफ टाइम फ्री है, और नहीं करवाया है तो भाई 50,000 रुपये साल में खर्च करोगे तो नेक्स्ट ईयर भी फ्री होगा, नहीं करोगे तो आपका जो चार्ज लगेगा वो होगा 500 रुपया प्लस GST। याद रखना, HDFC का मनी बैक क्रेडिट कार्ड, जो बेसिक क्रेडिट कार्ड होता है और सबके जेब में होता है। उसके बाद आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड या सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। पहले इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या था आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, गोल्ड एंड मोर, अपग्रेड हो गया है। और इस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस होती है 500 रुपये प्लस GST। कंडीशन है वेब ऑफ करवाने का, 2 महीने में 2,000 रुपये खर्च करोगे। सेकेंड बिल में कॉल करके आप कस्टमर केयर से उस पॉइंट को, जिसकी पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा होती है, रिडीम करा सकते हो स्टेटमेंट में से। पूरे साल में भैया फ्री नहीं है, 90,000 रुपये खर्च करना है तो नेक्स्ट ईयर फ्री है। लेकिन अगर आपने 2,000 पॉइंट तक का खर्च करके पॉइंट इकट्ठा किया है तो उसकी मनी वैल्यू हो जाती है 500 रुपये, तो आप उसको रिडीम करा सकते हो। मतलब 20,000 का खर्च, 2,000 रुपये का पॉइंट आपने इकट्ठा किया है तो उसकी 500 वैल्यू हो जाती है, लेकिन लाइफ टाइम फ्री नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला कार्ड है सिटी बैंक का रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड। सिटी बैंक रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, ठीक है ना, ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, लेकिन शर्त ये है कि पहले 2 महीने में उस कार्ड से आपको कुछ ना कुछ एक्टिवेट करके खर्च करना है। खर्च नहीं करेंगे 2 महीने में तो 1,000 रुपये लग जाएगा, ठीक है ना, और एक्टिवेट कर लेंगे 1,000 रुपये, इसका एक्टिवेशन करने के बाद 1,000 रुपये खर्च करेंगे तो आपको 2,500 पॉइंट मिलता है, जिसकी मैंने बोलो 1,000 होती है, बैंक आपको देता है, ठीक है ना। और पूरे साल का यार इसका कंडीशन जो है ना बड़ा आसान है, इसमें आपको 30,000 रुपये पूरे साल में खर्च करने हैं तो ये नेक्स्ट ईयर भी फ्री रहेगा। 30,000 रुपये नॉर्मली हो ही जाता है, और नहीं हो पाता है तो 1,000 रुपये चार्ज लगता है, ठीक है ना, और 30,000 खर्च देते हैं तो नेक्स्ट ईयर के बाद नेक्स्ट ईयर भी फ्री हो जाता है, ठीक है ना, लाइफ टाइम फ्री नहीं होता है। उसके बाद है भाई अगला क्रेडिट कार्ड किस बैंक का, वो है भाई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड जो है वो भी लाइफ टाइम फ्री कार्ड नहीं होता है, ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती है, ठीक है ना, ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती है, लेकिन आप पूरे साल में 60,000-70,000 रुपये खर्च करना होता है, और अगर नहीं करते हैं तो एनुअल फीस लगती है, जिसका चार्ज होता है 750 रुपये प्लस GST। मैं सुपर वैल्यू टाइटेनियम के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके अदर भी कार्ड होते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। एक लाइफ स्टाइल वाला क्रेडिट कार्ड होता है, वो जहाँ तक मैंने सुना है भाई, मुझे पता नहीं है, वो लाइफ टाइम फ्री होता है, लेकिन वो चलता केवल लाइफ स्टाइल में है, ठीक है, टाइटेनियम में सुपर कार्ड है। आपको ये पेमेंट्स वगैरह में 5% तक का कैशबैक देता है, और साल में 6,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। तो सुपर वैल्यू टाइटेनियम, ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, पूरे साल में 60-70,000 रुपये खर्च कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर फ्री रहेगा, और नहीं करेंगे तो 750 प्लस GST लगेगा।
और क्रेडिट कार्ड के भी फीचर्स ऑफर्स जो हैं मैंने उसका बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, कार्ड रिव्यू कर रखा है। आपको टाइम मिले तो प्लीज़ देखिएगा, बनवाने से पहले भाई देख लेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा कि क्या फ़ायदा होगा, क्या एडवांटेज होगा, और फिर आप उसकी फ़ीस वगैरह देख लीजिए और फिर अप्लाई करना है तो जो व्हाट्सअप नंबर मेरा है इसके ऊपर हाई करिए, हेलो करिए कि आई वांट टू दिस क्रेडिट कार्ड, तो मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी इस क्रेडिट कार्ड को दिलवाने में। और भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, हर बैंक के नए नए सेगमेंट में नए नए कार्ड है, कोई ट्रेवल कार्ड है, कोई डाइनिंग कार्ड है, तो कौन सा कार्ड कहाँ काम आता है वो मैं स्टेप बाय स्टेप उसके रिव्यू कर रहा हूँ, बहुतों के मैंने कर दिए हैं जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक्स दे रखे हैं, आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर देना और बेल बटन दबाना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है ना। तो ये सारे थे, अरे हाँ एक कार्ड का तो मैं बताना ही भूल गया जो कि बहुत अच्छा क्लासिक क्रेडिट कार्ड है, ICICI बैंक का आपने कोरल कार्ड का नाम सुना होगा, उसकी 199 ज्वाइनिंग फीस होती है और उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो जाता है, ठीक है ना। तो वो कार्ड भी अच्छा कार्ड है, मैं बताना भूल गया था, और उसमें बहुत सारे एडवांटेज, वो एक ऐसा बेसिक क्रेडिट कार्ड है ICICI का कोरल, मैंने कार्ड का रिव्यू कर रखा है, ICICI कोरल डालेंगे तो वीडियो मेरी आएगी आप उसको देखिएगा, मैंने लिंक में भी डाल रखा है। तो कोरल क्रेडिट कार्ड ऐसा क्रेडिट कार्ड है कि 199 उसकी फीस प्लस GST लगती है, लेकिन वो भी वेवअप हो जाता है और उसके बाद वो कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो जाता है। तो दोस्तों अगर ये इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो तो, क्योंकि बेसिक क्रेडिट कार्ड जो सबके पॉकेट में होती है तो मैंने उसका बता रखा है, आप लोगों के दिमाग में कभी कभी होता है कि हाँ भाई यार लाइफ टाइम फ्री कार्ड दे दिया मेरा ये नहीं लगे वो नहीं लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इस चीज़ को देखिएगा, और अगर वो माइलस्टोन वगैरह दे रखा है तो आप उसको अचीव कर लीजिएगा तो हो सकता है फ्री हो जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने बताऊँ दोस्तों अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी, चलिए गुड नाइट, सब खैर, बाय बाय। और शेयर पर ख्याल रखिए प्लीज़, ठंड जाने वाली ठंड है, इसमें आदमी ज़्यादा बीमार होता है, बाय। दिल्ली का मैच हो रहा है।